हरे कृष्णा। नींद प्रत्येक मनुष्य के लिए अति आवश्यक है। ऐसा कहा गया है कि नींद किसी भी स्वस्थ आदमी को 6 से 8 घंटे की लेना जरूरी है। यदि नींद ठीक नहीं होती तो दिन भर आलस्य रहता है और अनेक बीमारियों का जन्म हो जाता है। नींद ठीक न होने से हमें तनाव की स्थिति बनी रहती है। हम प्रयास करें कि हमारी नींद उचित हो और कम से कम 6 घंटे की प्रतिदिन जरूरी है। ठीक नींद होने के लिए 3 बातें जरूरी हैं। हमारे दिन भर की थकान दूर हो जाए, पेट हमारा हल्का रहे और मन शांत रहे। सबसे पहली बात है, ऑफिस से आने के बाद हमें चाहिए हम 5 मिनट के लिए शवासन में विश्राम करें। इससे हमारी थकान दूर होगी और मन शांत होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, भोजन के बाद हम प्रतिदिन वज्रासन में बैठें और अगर हो सके तो वज्रासन में बैठकर राम नाम की एक माला कर लें। राम 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 एक, राम 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 दो। 108 तक ले जाने में लगभग 7 मिनट का समय लगेगा। पर जो आदमी वज्रासन में नहीं बैठ सकते वो लेफ्ट साइड में लेफ्ट करवट लेकर लेट जाएं। इससे भी हमारा भोजन पच जाता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है पैरों का। 5 मिनट के लिए हमें चाहिए कि गर्मियों में हम सादे पानी में 5 मिनट के लिए पैर रख के उसको पैरों को बाहर निकाल के कोकोनट ऑयल गोले का तेल लगाकर लगा लें। और सर्दी है तो हल्के गर्म पानी में पैर रख के सरसों का तेल पंजों में लगाएं। इससे हमें नींद अच्छी आएगी और पैरों की थकान भी दूर होगी। चौथी महत्वपूर्ण बात है, यदि आपको नींद नहीं आ रही तो लंबे गहरे सांस लें और छोड़ें। पांचवी महत्वपूर्ण बात है कि 5 बार सोने से पूर्व ओम का उच्चारण करें और 5 बार भ्रामरी प्राणायाम करें। आप देखेंगे कि आपको नींद अच्छी आएगी और बुरे सपनों से भी आपको छुटकारा मिलेगा और आपका मन शांत भी होगा। हरे कृष्णा।